आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी चिकन करी। तो अगर आपको चिकन खाना पसंद है तो इस वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपकी सबसे फेवरेट हो जाएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ये चिकन करी रोटी चावल नान सबके साथ बहुत ही परफेक्ट जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने तेल पैन को गरम कर लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा तेल। और अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच। और अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे तेल के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक टेस्ट के हिसाब से। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे भी यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर। और यहाँ पे हमने आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाए। और अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम दही। और इस तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जिसे मैंने 500 ग्राम के लगभग लिया है। तो मिक्स कर लेने के बाद हमें फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेना है और इसे ढक के हमें 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और फिर से इसे 10 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन करी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए पुदीना, दो बड़ी हरी मिर्च, और बस 2-3 मिनट के लिए हम इसे फिर से पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन करी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये अब सर्विंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, कुलचे के साथ, नान के साथ परफेक्ट जाता है। आप किसी चीज़ के साथ भी इसे खा सकते हैं। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है बहुत ही लाजवाब लगता है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लाइट होती है, खाने के बाद पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ खाया है, और बहुत ही कम टाइम में आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी।